हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अनास जो पाइनएप्पल होता है, इसका हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए कितना महत्वपूर्ण भूमिका है, कितना सारा इसमें फायदा है। दोस्तों, अगर रोज हम इसका सेवन करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ होती है। दोस्तों, आप अनास जरूर खाते ही तो होंगे, अन्य फलों की तुलना में अनास का स्वाद अलग होता है। यही कारण है कि लोग अनास को बहुत ही पसंद से खाते हैं, खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है। अब तक आप अनास के बारे में केवल इतना ही जानते होंगे शायद, बट आज जो मैं आपको बताऊँगा इसकी औषधि के बारे में, इसके अंदर जो औषधि छुपा हुआ है उसके बारे में, तो आप हैरान रह जाओगे। बहुत सारे रोगों के रोकथाम के लिए अनास आपको एक तरह से हमें हर बीमारियों से दूर रखता है। दोस्तों, आयुर्वेद में अनास के गुणों के बारे में बहुत ही उत्तम बातें लिखी गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अपच, पेट में कीड़े, बुखार, सेक्स की समस्या, पीलिया सहित कुष्ठ रोगों में भी अनास का लाभकारी परिणाम पाया गया है। अनास जो है दोस्तों, ये भूख को बढ़ाता है, शक्तिवर्धक है, रक्त पित्त विकारों में लाभ पहुंचाने वाला फल है, ये बुखार को कम करता है, कम पेशाब होने की समस्या में भी दोस्तों लाभ होती है, पेट में गैस, दर्द, एसिडिटी और शारीरिक कमजोरी को भी दूर करता है। इसके साथ साथ पका हुआ फल रक्त स्राव से जुड़े कई रोगों को, कई विकार को दोस्तों ठीक करता है। देखा गया है जो लोग अनास का सेवन करते हैं या इसको औषधीय की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनको कंस्टिपेशन और जो पाइल्स की समस्या है दोस्तों, वो भी दूर होता है इससे। अनेक अनेक भाषाओं में, अनेक अनेक राज्यों में इसका अलग अलग तरीके से नाम लिया जाता है। हिंदी में इसको अनास, इंग्लिश में आपका पाइनएप्पल, संस्कृत में दोस्तों इसको बहुनेत्र फला कहा जाता है, उड़िया में इसको सपूरी कहा जाता है, उर्दू में इसको ही अनास ही कहा जाता है और गुजरात में अनास कहा जाता है, तमिल में इसको अनास पालेम बल्कि कहा जाता है, तेलुगु में अनासा चेतु इस नाम से कहा जाता है, बंगाली में इसको अनारस बल्कि कहा जाता है, नेपाली में भुई कट्टर बल्कि कहा जाता है। इस तरीके से अलग अलग जगहों के हिसाब से इसका अलग अलग नाम है। पर्शियन लोग इसको एनोनास बल्कि कहते हैं। तो अलग अलग नाम हो मगर इसका बेनिफिट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों, अगर एक बारी आप इसका बेनिफिट समझो, जानो, फिर इसका इस्तेमाल दोस्तों करो। एक प्रयोग आपको मैं अनास के जूस के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप पुराने डायबिटीज़ रोग से पीड़ित हो और किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रहा है, तो ये फार्मूला एक अप्लाई करके देखिए। 100 मिलीग्राम आप अनास का रस ले लें, इसमें 10 ग्राम तिल, 10 ग्राम हरड़, 10 ग्राम बहेड़ा, 10 ग्राम आंवला, यानी जो त्रिफला होता है सबसे 10-10 ग्राम लेनी है। उसके साथ साथ गोखरू और जामुन के बीज भी 10-10 ग्राम आपको लेना है। सारा मिला के सुखाएं और ठंडे जगह पे दोस्तों सुखाइएगा। उसके बाद इसका चूर्ण बनाएं। अच्छे से जब ये चूर्ण हो जाए तो आप इसको कांच के बॉटल में बंद करके रखिएगा और सुबह शाम 2-3 ग्राम के मात्रा में आप सेवन करेंगे नॉर्मल वाटर से। इससे आपकी डायबिटीज़ दोस्तों ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ जिन्हें पेट की समस्या, किसी भी तरीके का पेट की समस्या रहती है या पेट में कीड़े होते हैं जो बार बार और वो ठीक नहीं होते हैं, तो आप ये प्रयोग एक करके देखिएगा। अनास के पत्तों के रस में थोड़ा शहद मिलाएं, इसे रोज
दो मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम तक अगर आप सेवन करोगे तो पेट के कीड़े दोस्तों ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ पके हुए अनास के 10 मिलीग्राम रस में भुनी हुई हींग 125 ग्राम मिला लें। इसमें सेंधा नमक लगभग 250 ग्राम और अदरक का रस 250 मिलीग्राम मिलाएं। इसे रोज़ सुबह और शाम पीने से आपको किसी भी तरीके का जो पुराना पेट दर्द है उससे दोस्तों आराम मिलेगी। अनास के रस में गुड़ मिलाकर सेवन करने से पेट के बात विकार नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। पेट में यदि किसी भी कारण से बार बार मरोड़ होता है तो दोस्तों अनास का रस आपको बहुत हेल्प करेगा। अनास के पत्तों के काढ़ा में बहेड़ा और छोटी हरड़ का चून मिला लें। इसका सेवन करने से पेट में पानी भर जाने की समस्या और पेट में जो मरोड़ उठती है ये समस्या दोस्तों ठीक हो जाएगा। अगर शरीर के किसी अंग में सूजन की समस्या है, अनास का जो रस होता है इसका लेप अगर वो सूजन वाले जगह पे आप करते हो वो सूजन दोस्तों ठीक हो जाती है। आँखों के आगे या शरीर के किसी अंग में सूजन हो तो आप अनास का उपयोग कर सकते हो। अनास का रस का सेवन 7-8 दिन तक रोज़ाना अगर आप लोगे 15-20 दिन में इसका पूरा लाभ आप देख पाओगे। अनास के पत्तों पर एरंड का तेल लगाकर थोड़ा गर्म कर लें और जहाँ बहुत ज़्यादा सूजन वगैरह रहता है, चाहे कोई गठिया की समस्या है, तो ये प्रयोग आप वहाँ पे करो तो आपको सूजन कम कर देगा और आपका दर्द भी दोस्तों ठीक हो जाएगा। जिनका गुटखा और ख़ास करके सिगरेट वगैरह, बीड़ी, तंबाकू वगैरह बहुत समय तक सेवन करके शरीर में काफ़ी नुकसान हो चुका है, उन्हें ये सजेस्ट किया जाता है कि आप लगातार 21 दिन तक अनास का जूस, प्योर जूस अनास का, सुबह 1 ग्लास और शाम 1 ग्लास अगर पियोगे तो उसका सारा पॉइजनियस जो साइनेंट सिम्टम्स है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, बॉडी डिटॉक्सिफाइड हो जाएगा, आपका शरीर स्फूर्ति से भर जाएगा, आपका जो पॉइजन है शरीर से वो बाहर निकल जाएगा पसीने के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से। 21 दिन लगातार पीना है सुबह और शाम, यानी जिनकी स्मोक करने की आदत है उनके लिए तो ये एक बहुत ही रामबाण उपाय है। अनास से दोस्तों एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस और कंस्टिपेशन की समस्या ठीक होती है। जिन्हें बहुत ज़्यादा पेट में हमेशा समस्या रहती है, क्रोनिक समस्या, वो दोस्तों ठीक हो जाती है। अपच की समस्या दोस्तों इससे ठीक हो जाती है, भूख बढ़ती है। जिनकी यूरिन की विकार है, जिनको पेशाब में हमेशा समस्या रहती है, स्टोन हो जाती है बार बार, उनके लिए तो दोस्तों ये एक ज़बरदस्त फ़ायदे का चीज़ है। जिन्हें भी यूरिन की समस्या है वो आँख बन करके आज से ही अनास का रस का सेवन करना शुरू करें और कम से कम 21 दिन तो आप पियो, इससे आपको लाभ होना तय है। इसके साथ साथ जिनका स्प्लीन डिसऑर्डर है, यानी तिल्ली में विकारपन है, उसमें कोई खराबी आता है या ख़राब हो रहा है बल्कि डॉक्टर बताए हैं, तो आप अनास का जूस जरूर पीना शुरू करें। प्योर जूस होनी चाहिए, चाहे कम पियो या ज़्यादा पियो, 1 कप पी सकते हो, 10 ml पी सकते हो। और अगर आपको प्योर जूस अच्छा नहीं लगता है तो आप उसमें पानी मिला के भी दोस्तों ले सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको आँखों में पीलापन रहता है या किसी को पीलिया बीमारी है तो वो अनास का इस्तेमाल करें, यानी अनास का जूस पिएं। डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोगी, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया हूँ, उसमें तो ये बहुत ही लाभकारी है। पेट में अगर कुर्मी होती है उसमें लाभकारी है। जिनका पीरियड की समस्या है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त इसमें लाभ होती है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में ये एकदम फ़ायदेमंद है, 100% फ़ायदेमंद। बहुत सारी जो जानकारी मेरी जो किताब है माय हेल्थ इन माय हैंड, उसमें शेयर किया हूँ। 2500 से ज़्यादा टिप्स है एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक उपचार में, होम रेमेडीज के बारे में। आप इसको ऑनलाइन अमेजन से ज़रूर मंगाएं और अपने घर में हेल्थ डिक्शनरी की तरह इस्तेमाल करें। अपने नियरर डियरर को दोस्तों गिफ्ट दें। घर बैठ के एक्यूप्रेशर जो लोग सीखना चाहते हैं, जो डिजिटल एक्यूप्रेशर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये 8 DVDs और 64 GB के पेन ड्राइव के माध्यम से हम घर पहुंचा रहे हैं। एक सर्टिफिकेट भी उसमें, ग्लोबल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसके साथ साथ जिन्हें कुष्ठ रोग है उनके लिए भी ये लाभकारी है। जिन्हें सेक्सुअल डिजीज है, यानि यौन रोग
की समस्याएं हैं किसी भी तरीके का, उनको लगातार एक महीना डेढ़ महीना तक अनास का जूस रोजाना एक बार या दो बार कम से कम लेना चाहिए। कोशिश करें दो बार आप लेने के लिए। जिन्हें हमेशा शरीर में सूजन रहती है, जॉइंट में दर्द रहती है, आर्थराइटिस की समस्या है, उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी है। इसकी जो औषधीय गुण है उन्हें लाभ जरूर देगा। इसके साथ साथ जिन्हें ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस में भी इसका दोस्तों बहुत फायदा है। किडनी की जिनकी बीमारी है उनके लिए लाभकारी है। जो सिगरेट स्मोक वगैरह करते हैं उनके लिए लाभकारी हो गया। खून की कमी को ये दूर करता है, यानी जिन्हें भी ब्लड की कमी है ये उनको भी लाभ देगा। यानी जिनको एनीमिया रोग, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है, खास करके औरतों के लिए तो फायदा ही फायदा है। किडनी पथरी में लाभ है, कैंसर से बचा जाता है। लीवर, जिनकी फैटी लीवर है, लीवर सोरियसिस है, ग्रेड वन ग्रेड टू लेवल का लीवर बन गया है, फैट इतना उसमें जमा हो गया है, उनके लिए लगातार 21 से लेके 42 दिन तक अगर वो इसका सेवन करते हैं दोस्तों, वो समस्या भी ठीक हो जाएगी। हार्ट को अच्छा रखता है दोस्तों, हृदय की हर तरीके का समस्या ठीक करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है। इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, इसका फल है, पत्ते है, हर चीज़ इस्तेमाल होता है, बट मैं आपको इसके रस के बारे में ही ज़्यादातर बताता हूँ। और ये फल लगभग आपको पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, उड़ीसा, पश्चिम घाट, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक वगैरह मिल जाता है। ज़्यादा केरला जो है उसकी समुद्री तटों में, अंडमान जो द्वीप समूह है वहाँ पे भी इसको प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अनास इंडिया के बाहर ब्राज़ील वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है, मगर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों आजकल तो हर चीज़ हर जगह मिल जाता है, तो इसलिए आपको लाभ उठानी चाहिए। हर बीमारी का एक आसान सा रास्ता मैंने आपको बताया, ये ठीक हो सकता है अगर हम इसका सही ढंग से इस्तेमाल करें। अत्यधिक मात्रा में इसका प्रयोग दोस्तों ठीक नहीं है। अगर कभी इसका नुकसान आपको अनुभव होता है तो नींबू का रस, चीनी, अदरक का रस, ये सब अगर सेवन करोगे तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। कोई भी चीज़ें ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाके इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अपने शरीर के मुताबिक आप इस्तेमाल करें और इसका लाभ उठाएं दोस्तों। कम क्वांटिटी से शुरू करें, धीरे धीरे आप क्वांटिटी अपना बढ़ा सकते हो। तो ये सारी जो बातें बताया दोस्तों उसको आप जीवन में अप्लाई करो तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो देर ना करें, अपने शक्ति को पहचानें, अपने शरीर को पहचानें, दवाई से दूर रहें, अस्पताल से दूर रहें और अपना पूरी ताकत का सही इस्तेमाल करें। हमारे शरीर के अंदर ही डॉक्टर है, शरीर के अंदर ही दवाई खाना है, बस हमें एक चाबी की ज़रूरत है, पहचान करनी है किस तरीके से आप अपने आप को फिट कर सकते हो, अपने आप को सेहतमंद कर सकते हो। ये चाबी मैं देने को आपको प्रयास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इसका लाभ आप लोग उठाओगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है, ना ही आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, ना ही सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। अपने घर बैठकर आप बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज एक्यूप्रेशर, होम आयुर्वेदा एवं एक्सरसाइज से आप कर सकेंगे। डॉक्टर दरवेश जी ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 51 बीमारियों के साथ 26 घंटे की होम ट्रीटमेंट एवं ट्रेनिंग, आर DVDs एवं 64 GB का पेन ड्राइव के माध्यम से ऑनलाइन Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। My Health in My Hand English एवं हिंदी किताब 51 तथा 101 बीमारियों के इलाज के साथ ऑनलाइन Amazon पे उपलब्ध है। दोस्तों अब आप बिना दवाई के, बिना अस्पताल जाए, घर बैठे अपना इलाज खुद करिए। डायरेक्टली किताब, DVDs तथा पेन ड्राइव पाने के लिए व्हाट्सएप करें इस नंबर पे 8826767603। धन्यवाद।